International brand and smartwatches collection with great offers at Minutes to Style, Station Road, Ajmer. देखिए परिवादी हैं धनंजय कुमार झा जो कि जॉन्सगंज के रहने वाले हैं। इन्होंने एक रिपोर्ट थाना जा पर दी थी जिस पर एक प्रकरण पंजीकृत किया था। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि यादव एंटरप्राइजेज जो कि मिराज मॉल में उसका ऑफिस है उसका एक न्यूज़पेपर में ऐड निकला था। उस ऐड में बताया गया था कि 10,200 रुपये लगभग आपको सैलरी मिलेगी और आपको हमारे लिए काम करना पड़ेगा। मैं उस जॉब के प्रोफाइल को देख करके वहाँ पहुँचा तो मुझे कंपनी के जो कर्मचारी मिले उन्होंने मुझे बताया कि आप कंपनी जो है मोटर पार्ट्स के स्पेयर का काम करती है, स्पेयर पार्ट जो लाते हैं उनके अकाउंट मेंटेन आपको करने हैं और उस अकाउंट मेंटेन के लिए आपको लगभग 10,200 रुपये की सैलरी दी जाएगी। विभिन्न साइट्स पर जाके काम करना पड़ेगा लेकिन इससे पहले आपको 2 अकाउंट खुलवाने पड़ेंगे। तो परिवादी ने बताया कि मुझे एक तो किशनगढ़ में मेरे से अकाउंट खुलवाया गया और एक बैंक में अजमेर में मेरे से अकाउंट खुलवाया गया और उन दोनों जो खाते थे उन खातों के अंदर पैसे का लेनदेन शुरू हो गया। जब मैंने उनके कर्मचारियों से पूछा भाई मेरे खाते में पैसे का लेनदेन कैसे शुरू हो गया जबकि मेरा खाता अभी जस्ट ही खुला है और पैसे का लेनदेन मैंने किया नहीं है फिर भी कैसे खुल गया, तो उस चीज़ के ऊपर उन्होंने कहा कि हमारे प्रोसीजर है ये चल रहा है। तो मुझे लगता है कि परिवादी को ये लगता है कि उसके साथ कोई ना कोई धोखाधड़ी हो रही है और कोई किसी तरीके के अवैध पैसे हो सकते हैं जो आदान प्रदान हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं और ट्रांसफ़र हो रहे हैं। इस तरीके का उन्होंने एक प्रकरण पंजीकृत कराया जिसकी जाँच जारी है। कुतुब की। ये जो आपके वो है ना ब्लैकमेल कांड का आरोपी क्या नाम उसका कुतुब फकीर नहीं सकी नहीं यार सैयद कुतुब उसकी थी उसके नॉमिनेशन में गया था। अरे उसके